फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से सभी का आपके वीडियो चैनल पर एन एक्सपर्ट योर सॉल्व गुरु। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार विधान परिषद ऑफिसर अटेंडेंट का इंटरव्यू हुआ था, उसका रिजल्ट कब तक आएगा। बहुत सारे मुझे लगातार मैसेज कर रहे थे कि सर आपने तो बोला था कि लास्ट फेब या फर्स्ट लास्ट जनवरी या फिर फर्स्ट फेब में आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले इन मुद्दों बात करेंगे। उस मुद्दों बात करने से पहले जो नए व्यवस्था चैनल को देखो बताना चाहता हूँ कि चैनल पर आपको बिहार के सभी एग्जाम के लेटेस्ट नोटिफिकेशन बताया जाता है, साथ ही साथ उनका लेटेस्ट अपडेट बताया जाता है जो कि 99.9% सही होता है। इसलिए वैसे बच्चे जो बिहार किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ चाहे बेल आइकन हिट कर ले, साथ ही साथ वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कर दे जो बिहार किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि पता है कि इस बार बिहार में 2024 या 2025 में बिहार विधानसभा तो चुनाव होने वाला है, इसलिए 2024 में बंपर वैकेंसी आने वाली है। अभी भी अभी सचिवालय सहायक आने वाला है, बिहार दरोगा आने वाला है, बिहार सिपाही आने वाला है, लाइब्रेरियन का आने वाला है, ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है। इसलिए इस वैकेंसी को आप लोग अवसर के रूप में लें और इस बार अपनी सफलता सुनिश्चित करें और कहीं ना कहीं आपको इस बार जॉब ले लेना है, क्योंकि जाहिर सी बात है बिहार में इसके बाद आने वाले 5 सालों में कोई भी आपको जॉब देखने को नहीं मिलेंगे, मिलेंगे भी तो उसकी मात्रा काफ़ी कम होगी। इसलिए बहती गंगा में हाथ धोने में आपकी फायदा है। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन हिट कर ले ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन से मिलता रहे और उनकी सफलता को सुनिश्चित होती रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो बात करते हैं बिहार विधान परिषद ऑफिस अटेंडेंट का जो इंटरव्यू हुआ था उसका रिजल्ट के रिगार्डिंग। देखिए, सबसे पहले जो बात होती है कि इसका रिजल्ट तो बहुत पहले आना था, लेकिन हुआ क्या था कि बीच में जो सरकार का जो गठन था वो सरकार ही टूट गई थी, यानी सरकार जो थी वो भंग हो गई थी। जो RJD और जो जदयू की सरकार थी वो सरकार टूट गई और जो नई सरकार बनी थी उसमें मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ था। जब भी किसी भी सरकार का गठन होता है तो जो मुख्यमंत्री होते हैं या उप मुख्यमंत्री होते हैं उनको कुछ विभाग का कार्यभार दिया जाता है, और जब सरकार का गठन होने के बाद सरकार का विभाग का आवंटन ही नहीं होगा तो सरकार के फैसले कैसे आएंगे, समझने की बात है। बात समझ में आ रहा ना, यानी सरकार जो भी अभी वर्तमान में होगी उसको विभाग आवंटन होगा तब तो वहाँ पर सरकार के जो भी मंत्री होंगे उनका फाइनल हस्ताक्षर होगा या फिर उनका आदेश होगा। इसलिए जब सरकार का शपथ ग्रहण हुआ था तो देखे होंगे 3-4 दिन तक यहाँ पर मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ था, ना ही विभागों का बंटवारा हुआ था। कल जा करके ये सुनिश्चित हुआ कि भैया नीतीश कुमार जो हैं हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री उन्होंने क्या ले लिया है, तो सामान्य प्रशासन विभाग को लिया है और गृह मंत्रालय लिया है। साथ ही साथ जो हमारे अन्य 2 डिप्टी CM हैं, एक हमारे सम्राट चौधरी जी जिनको 9 विभाग मिला है और हमारे विजय कुमार सिन्हा उनको भी जो 9 विभाग मिला है, साथ ही साथ अन्य विधायकों को भी मंत्रियों को भी विभाग का आवंटन किया गया है। अब जो है जो कल विभाग का आवंटन हो गया है तो अब वो मंत्री जो होंगे अपने विभाग के जो अपर सचिव होंगे उनको निर्देश देंगे कि जो पिछला आपका पेंडिंग रिजल्ट है उसको जारी किया जाए, क्योंकि पिछला रिजल्ट जो है वो जारी होगा तभी जा करके आगे की कोई भी नियुक्तियाँ आपको देखने को मिलेंगी। इसलिए वैसे बच्चे जो इसका इंतजार कर रहे थे तो आपका जो रिजल्ट लास्ट जनवरी या फिर 1 फरवरी में था वो थोड़ा सा दिक्कत हो गया है। अब आप लोग का जो रिजल्ट है वो 20 से 22 फरवरी तक तो देखने को मिलेगा, क्योंकि आज अगर बात करते हैं तो 4 फरवरी आपको देखने को मिला जो कि संडे है, कल आपका 5 फरवरी हो जाएगा। तो कल या कह सकते हैं 3-4 दिन के अंदर वो अपने विभाग में जाएंगे, वहाँ पर उनका एक फेलिसिटेशन होता है, उनको विभाग के जितने अपर सचिव हैं या फिर जो मुख्य सचिव हैं वो उनको जा करके अपने विभाग के बारे में बताते हैं कि क्या रिक्तियां हैं, कौन सी पिछले रिक्तियां फंसी हुई हैं, तब जाकर वो आदेश जारी करेंगे। यानी कुल मिलाकर के आपको 15 से 20 फरवरी तक फाइनली आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ मैं आपको और बता दूं कि इसी मंथ के लास्ट में आपको बिहार विधान परिषद में 2024 की नई वैकेंसी भी देखने को मिलेगी, यानी ये जो बिहार विधान परिषद ऑफिस अटेंडेंट है इसका फिर से वैकेंसी आएगा, लेकिन 2024 में आएगा 2024 का, चूंकि ये जो है वो 23 वाला वैकेंसी है जो कि 24 में आपको क्लियर किया जा रहा है। इसलिए आपको सोचने की बात नहीं है, अगर आपका इसमें किसी कारण से रिजल्ट नहीं भी हुआ तो सोचिएगा मत, आपका 2024 में जो वैकेंसी आएगी उसमें भी आपका चांस बनता है और दोनों का पैटर्न सेम रहने वाला है। इसलिए आप लोगों को बिल्कुल पैनिक नहीं होना, रिजल्ट आपका इसी 15-20 तक आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, सो बी पेशेंस, बी स्माइल और अपने मेहनत तो फोकस कीजिए। बाकी आपको जो भी अपडेट होंगी वो मैं आपको देते रहूँगा। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।